मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज सुबह सुबह छोले बना रही हूँ, रात को ही चने भिगो दिए थे मैंने। बहुत जल्दी भी नहीं है, 10:30 के करीब बज गए, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते के साथ साथ सब्जी भी बना के रख लेती हूँ लंच के लिए। एक साइड में कुकर में मसाले भूनने के लिए रख दिए, इसमें टाइम लगता है, और एक साइड में बना रही हूँ पोहा जो कि ब्रेकफास्ट में लेंगे। मैं चने को अलग से बॉयल करके नहीं रखती, मसाले तैयार करके उसी में डाल देती हूँ। फ्लेम को लो करके 4-5 सीटियाँ लगा देती हूँ, बहुत अच्छे से चने कुक हो जाते हैं, एक ही बार में काम हो जाता है। पानी भी डाल दिया, जब तक हम लोग खाएंगे तो सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। और मैंने अपने लिए पपीते काट लिए हैं, आजकल यहाँ पे बहुत ही मीठे पपीते आ रहे हैं। अभी तक का मेरा सारा काम हो चुका है, नाश्ता, खाना, नहाना, धोना, ये सब सारा फिनिश हो चुका है। सिर्फ हमने खाना नहीं खाया है, अभी थोड़ी देर में खाएंगे। जबकि आज सुबह मैंने थोड़ा सा लेट काम स्टार्ट किया था क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने लगी थी, फिर भी न जाने कैसे आज जल्दी से काम निपट गया। और नहाने के बाद मैं सोच रही थी कि आज काम जल्दी निपट गया तो जाके थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, लेकिन आज बहुत तेज़ हवा चल रही है और वो भी धूल वाली हवा जो होती है ना, तूफानी सी हवा। वहाँ गई थी, थोड़ी देर बैठी, लेकिन वहाँ बैठा नहीं जा रहा है। अभी खाना खाने में टाइम है, तो इस बीच मैंने एक और काम कर लिया। बहुत अंदर एक साड़ी रखी हुई थी, उसको मैंने निकाला है। ब्लैक साड़ी, मुझे एक मेकअप लुक करना है। साड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढा है तब जाके मिली है। इसके पीछे रीज़न क्या है, साड़ी बिल्कुल नई है लेकिन जब से आई है इसको किसी ने खोला भी नहीं क्योंकि पसंद नहीं आई थी साड़ी। दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी साड़ी है। मीशो से मंगवाया था, वैसे तो फोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छी लग रही थी। अभी तक इसी तरह से रखी हुई, देख के मैंने फिर से पैक करके रख दिया था। और ये साड़ी दो कलर में है, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा पार्ट ब्लैक का है और थोड़ा सा येलो है। मुझे लगता है कि पल्लू की तरफ से येलो कलर है और इस तरह से चेक चेक सा बना हुआ है ब्लैक के ऊपर येलो से, और येलो के ऊपर भी है लेकिन उसमें येलो ही है तो इसलिए पता नहीं ज़्यादा चल रहा है। वैसे तो दूर से देखने में साड़ी अच्छी लगती है लेकिन फैब्रिक अच्छी नहीं है। फिलहाल तो इसे फोल्ड करके रख देती हूँ, टाइम पे ब्लाउज आ जाएगा तो फिर कर लूँगी मेकअप। ज़्यादा पसंद नहीं आई थी इसलिए ऐसे ही रख दिया था, तैयार भी नहीं करवाया, ब्लाउज भी नहीं है इसका, तो इसलिए मैंने रेडीमेड ब्लाउज एक मीशो पे ही देखा है, उसी को ऑर्डर किया है। क्योंकि टेलर के पास स्टिच करवाने जाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए धूप में आकर बैठी हूँ, जैसे जैसे शाम हो रही है तो हवा भी कम होती जा रही है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भरी हुई चारों तरफ गैलरी में, रूम में, क्योंकि मैं बंद नहीं करती हूँ सभी को, बंद बंद घर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। सब जगह धूल मिट्टी भर गई और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठती हूँ, और धूप में बैठते ही मुझे नींद आने लगी है। धूप में बैठना अच्छा होता हमारे हेल्थ के लिए। वैसे भी बंद बंद कमरे में हमेशा नहीं बैठ सकते, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर यहाँ पे आके बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, मूड फ्रेश हो जाता है। स्कूल में छुट्टियाँ हुई, बच्चे जा रहे थे, उन्हीं को मैं खड़े होकर देख रही थी। रोड के साइड में मेरा घर है, शोर शराबा तो बहुत ज़्यादा होता है, धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है, लेकिन यहाँ आके खड़े हो जाओ तो मूड फ्रेश हो जाता है। अभी मैं वही देख रही थी, बच्चे जा रहे थे स्कूल से, छुट्टियाँ हुई हैं। कोरोना से पहले 2 से 3 बजे के बीच में इस रोड पर आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी और बच्चे शोर शराबा करते। जब बच्चों की टोली निकलती है ना तो वो लोग बहुत हुड़दंग मचाते हुए निकलते हैं। स्कूल की वैन अलग होती थी बीच में, तो 2 साल से ऐसा माहौल ही नहीं है। सब कुछ खुली भी है बीच में लेकिन स्कूलें तो अभी भी नहीं खुली हैं, अभी इक्के दुक्के करके लोग खोल रहे हैं। अभी स्कूलें एक साथ खुलेंगी और एक साथ छुट्टियाँ होंगी तब जाके वैसा माहौल बन पाएगा। अभी अपने अपने हिसाब से खोल रहे हैं, अभी मैंने 2-3 स्कूल के बच्चों को ही सिर्फ देखा है। मेरे पीछे जो स्कूल है वो अभी भी बंद है, 12वीं तक की पढ़ाई है इसमें, लेकिन मैं बच्चों को जाते हुए नहीं देखती हूँ, इसका मतलब ऑनलाइन क्लास ही दे रहे होंगे। अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि यहाँ से धूप चली गई है और मुझे थोड़ा सा काम भी है, इसलिए मैंने ग्लास लगाया हुआ था, एडिट करना है। फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई, मेरी आँखों में भी कल से थोड़ा थोड़ा सा दर्द होने लगा है। ज़्यादा देर में फ़ोन लेके बैठी ना तो आँखों में दर्द होने लगता है। पौधे के पत्तों पर कितनी धूल पड़ी हुई है।
अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी तो सर भारी भारी सा हो गया। जब इस तरह की हवा चलती है ना तो सर में दर्द होने लगता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने चाय बनाई और चाय पी रही। वैसे तो चाय पीनी मैंने छोड़ दी है, लेकिन कभी कभी बीच में जब मन करता है या सर दर्द होने लगता है, सर भारी भारी सा लगता है, तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। चाय पीने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, एसिडिटी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, तभी मैंने लास्ट ईयर चाय पीनी छोड़ दी। अभी भी मेरा मूड फ्रेश नहीं लग रहा, थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने चेंज किया और घूमने निकल गई हूँ। और तो कोई घूमने वाली जगह मेरे घर के इतने नज़दीक नहीं है, साथ में मार्केट ही है, तो वहीं जाके घूम के आती हूँ। गली गली से जा रही हूँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। वैसे तो यहाँ पे कोई गली नहीं बच गई है, दोनों साइड जो बिल्डिंगें हैं तो उसके नीचे शॉप खुली हुई है, तो घर से निकलते ही मेन मार्केट तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, सिर्फ घूमने निकली थी। फिर मुझे याद आया कि एक हेयर कलर देख लेती हूँ मैट्रिक्स का, वो मुझे मिला नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ मेन रोड पे, एक सुपरमार्केट है आपका बाज़ार, तो उसमें ढूंढती हूँ। कई सारे कलर्स थे, लेकिन जो मैं ढूंढ रही हूँ वो नहीं मिल रहा है। मैं मैट्रिक्स का ढूंढ रही हूँ, जिससे ग्रे कवरेज भी हो जाएगा और फैशन शेड भी आ जाएगा। यहाँ भी नहीं मिला, अब मैं आगे नहीं जाऊँगी, वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि लेट से निकली थी, अब रात हो गई है, तो घर जाके देखना है डिनर में क्या सब बनाना है खाने पीने के लिए। घर पहुँचते ही सबसे पहले चेंज किया, मुँह हाथ धोया। वैसे तो खाना बनाने के बाद मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो आते ही सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ फेस को, उसके बाद रात में मॉइस्चराइजर वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में, मैंने पोहा को भून लिया है, इसको हम लोग चूड़ा बोलते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही भूना है, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब भूनने के बाद इसमें कच्चा प्याज, हरी मिर्च, सरसों का तेल, नमक ये सब मिला देंगे, नीचे में भूंजा के जैसे हो जाएगा। और इसे मैं खाने वाली हूँ छोले के साथ, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए दिन में छोले ज़्यादा बनाए थे। पतिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं 3-4 रोटियाँ उनके लिए बना भी देती, लेकिन इस तरह से फ़ोन पे लगे रहे कि पूछने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह से छोले को पोहा में मिक्स करके खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। खाने के बाद स्किन केयर कर रही हूँ, फेस वॉश पहले ही कर लिया था, अब टोनर अप्लाई किया, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और लिप बाम लगा के स्किन केयर कंप्लीट करूँगी। नाइट टाइम का स्किन केयर ज़रूर किया कीजिए, ये आपके स्किन को बहुत लंबे समय तक यूथफुल और हेल्दी बनाए रखेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।